नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक विशेष वनस्पति वृक्ष है, पेड़ है, उसकी औषधि गुणों को आपको बताने वाला हूं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये वही पेड़ है जिसे मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूं और इसमें पूरी तरह से फल लगा हुआ है, यानी इसकी फलियाँ अभी लदालद भरी हुई है, इसके वृक्ष में लगी हुई है और इसकी जो पत्ते हैं पूरी तरह से झड़ चुका है। मतलब इसके पत्ते जब झड़ते हैं तभी इसमें फल आता है और इसका फल ग्रीष्म ऋतु में आता है और यह बहुत ही पतला और चपटा होता है। ज़रा सा भी अगर हवा चल जाए तो इसके पत्ते उड़ करके यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, बहुत ही हल्के और पतले होते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो इसके फलियों को किस तरह से दिखाई देता है और मेरे ख्याल से बहुत से ग्रामीण अंचल के लोग इसे जानते पहचानते होंगे और इससे फ़ायदे भी उठाते होंगे। अगर कोई जानता पहचानता है या फिर नहीं जानता है या फिर फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहा है जानकारी के अभाव में, तो आज बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और मेरे नौजवान भाई बहन साथी जो भी हैं सभी लोग देखें, क्योंकि सभी के लिए इसमें वो खास औषधि गुण भरा हुआ है जो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वृक्ष के संबंध में बिल्कुल नया और बहुत ही सटीक और सच्चाई वाली जानकारी जो कि एक ही प्रयोग से आपको असर दिखाना शुरू कर देता है और इतना दमदार औषधि प्रयोग अगर आप जानकर भी उपयोग ना करें तो ये आपकी गलती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार से गुप्त समस्या से ग्रसित हैं, यानी किसी का बचपन की गलतियों की वजह से टेढ़ापन, छोटापन, ढीलापन, लटका हुआ, सुस्त पड़ा हुआ, तो ये सभी समस्या खत्म हो जाएगा। शीघ्र पतन, नपुंसकता, नामर्दी पूरी तरह से जड़ समेत खत्म हो जाएगा इस औषधि की बदौलत। और अगर स्त्रियों में किसी भी प्रकार का जो स्तनों का ढीलापन होता है, योनि का ढीलापन होता है, मतलब किसी भी प्रकार से जो ओल्ड एज में जो समस्या आती है उसको फिर से सोल्ड बनाने के लिए यानी न्यू बनाने के लिए यह औषधि बहुत ही कारगर है और इसका जो औषधि प्रयोग है बहुत ही आसान है। जो जानते हैं वे प्रयोग करके हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त औषधि और वो भी फ्री में मिलता है, फिर भी लोग इधर उधर ब्रांडेड के चक्कर में पैसे बर्बाद करते रहते हैं और उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बजाय कि उनका शरीर और ज़्यादा नुकसान होता रहता है। तो इसलिए आज इस वीडियो को अगर इच्छुक हों जंगली वनस्पतियों के बारे में जानने की, उन्हें अपनाने की, तो ज़रूर लास्ट तक देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस चैनल पर रोज़ाना नई नई औषधियों की जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज आप लोगों को बताते हैं इस महा औषधि की खास औषधीय गुण जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों, चिलबिल कहते हैं, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका हिंदी का मुख्य और प्रमुख नाम चिलबिल है, चिलबिल का पेड़ कहा जाता है। वैसे तो अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह में इसे अपने अपने भाषा बोली के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं चिलबिल, कहीं चिरोल, कहीं चिरौंजी, कहीं तितली, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो नामों के पीछे मत जाइए, इसकी जो औषधीय गुण है, इसकी जो काम है उसके पीछे जाइए, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो नाम को प्रमुख ना रखते हुए हम इसके जो औषधि प्रयोग है, इसकी जो पहचान है उसके बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसकी जो वृक्ष की जो छाल की औषधि प्रयोग है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। और अभी तो फिलहाल इसमें पत्ते नहीं आए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को इसके पत्ते के औषधि गुण बता दूँगा। तो छाल का सबसे पहले जान लेते हैं, इसकी जो छाल का औषधि प्रयोग है ना दोस्तों, यह बहुत ही असरदार है और दमदार है। किसी प्रकार के चर्म रोग को मिटाने के लिए, दांत खाज खुजली को मिटाने के लिए और आपकी पेट की हर एक समस्या को दूर करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसका छाल का काढ़ा बना करके सुबह शाम पीते हैं या फिर इसके छाल को पाउडर करके चूर्ण बना करके एक एक चम्मच लेते हैं सुबह शाम, तो आपके पेट की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर पेट की समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो गई तो आपको हर एक चीज़ खाया पिया शरीर में लगेगा, बल वीर्य की वृद्धि होगी, तभी तो आप बलवान और हष्ट पुष्ट बनोगे। तो पेट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है।
तो पेट की समस्या को दूर करने के लिए आप इस चिलबिल के पेड़ की छाल निकाल करके इसका रोज़ाना पानी पिएं या काढ़ा पिएं या फिर इसका चूर्ण खाएं। अगर किसी को चर्म रोग है तो चर्म रोग के लिए आप इसके छाल के चूर्ण को गाय के मूत्र में यानी गाय के पेशाब में मिला करके चर्म रोग में लगाइए, आपका चर्म रोग एकदम से ठीक हो जाएगा। अगर पुराना सड़ा गला घाव है तो उस घाव में भी लगाइए, घाव भी ठीक हो जाएगा। इस तरह से हर एक प्रकार के चर्म रोग को, सफ़ेद दाग को भी मिटाता है और पूरी तरह से मतलब चर्म रोग खत्म ही हो जाता है। अगर पेट में कीड़े हैं तो इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्ते का रस निकाल लीजिए। इस वृक्ष के जो चिलबिल पत्ते हैं उसके पत्ते का रस निकाल लीजिए और 5 से 10 ml यानी 1 से 2 चम्मच रस में आप बराबर मात्रा में गौमूत्र मिला करके उसे सुबह खाली पेट पिलाइए। इससे आपकी पेट की समस्त कृमि खत्म हो जाएगा, जो हानिकारक कृमि है वह खत्म हो जाएगा और आपको कृमि रोग से छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से रोज़ाना आप इसे 1 सप्ताह करके देख सकते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके बाद मैं आपको बवासीर की समस्या दूर करने का एक सफल प्रयोग बता रहा हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसा हो जाता है या फिर किसी को है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहले तो आप बवासीर होने पर अपना कब्ज तोड़िए। तो कब्ज तोड़ने के लिए इस चिलबिल के छाल का प्रयोग आप कर सकते हो, जिससे कब्ज टूट जाएगा। रही बात मसों के दर्द की और खून निकलने की समस्या से मुक्ति पाना है, बवासीर को जड़ से ख़त्म करना है, तो आप इसके फलों को, चिलबिल के जो चपटी फलियां होती है उसके अंदर गिरी होता है छोटा छोटा, तो उस गिरी को निकाल के रोज़ाना 5 ग्राम की मात्रा में सेवन कीजिए खाना खाने के बाद। और इसके छाल का प्रयोग कीजिए काढ़ा बना करके या चूर्ण करके, तो आपको निश्चित रूप से बवासीर की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। यह बहुत ही अचूक दमदार औषधि है दोस्तों, प्रयोग करके देखिए। एक ही दिन में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा और कम से कम 1 सप्ताह इस्तेमाल करोगे तो पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। दोस्तों इसकी जो पतली पतली फलियां आप देख रहे हो, इस फलियों के अंदर गिरी होता है, इसे मैं पहले भी बताया हूँ, तो इस गिरी को आप अगर खाते हो दोस्तों, इस चिलबिल की फल के अंदर जो गिरी होता है उसका अगर हम पौष्टिकता की बात करें, उसकी पोषक तत्व की बात करें, तो आप इतना जान लीजिए कि जो बादाम में गुण होता है, जो किशमिश काजू अंजीर में गुण होता है, जो ड्राई फ्रूट्स में होता है, उतने सारे गुण अकेला यह जंगली प्राकृतिक ड्राई फ्रूट्स में होता है। यानी चिलबिल का जो आप फलियां देख रहे हो इसमें इतने सारे पोषक तत्व तो भरे होते हैं कि लगभग आपके शरीर को बलवान बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। यानी आपके अंदर की जितनी भी कमजोरियां हैं उसको यह दूर कर सकता है अकेला चिलबिल का फलियों का गिरी। तो चिलबिल के फल का आप रोज़ाना 5 ग्राम सेवन कर सकते हो, जिससे आपका शरीर का बल वीर्य बढ़ेगा और वीर्य गाढ़ा बनेगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की बचपन की गलतियों के शिकार हो चुके हैं या फिर आपकी उम्र 40 के पार जा चुकी है, तो आप बिल्कुल इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आपको कभी भी उम्र का अंतर पता नहीं चलेगा, हमेशा आपके अंदर स्टेमिना और जोश भरा रहेगा। टेढ़ापन, छोटापन, सुस्त लटका हुआ या फिर से खड़ा ना होना, ये सभी समस्या दूर हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, चिलबिल के जो दाने हैं यानी कि चिलबिल का जो गिरी है, उस गिरी को आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लीजिए और उसको पाउडर कर लीजिए, और बारीक पाउडर करने के बाद भी उसको कपड़ छन कर लीजिए, मतलब उसको एक दो बार छान लीजिए छलनी से, जैसे किसी आटा को, मैदा को छानते हैं उसी तरह की छलनी में उसको भी पाउडर करके चिलबिल के गिरी को छान लीजिए अच्छे से। छान के जब बारीक कपड़ छान पाउडर बचे, उस पाउडर को आप तिल के तेल में या सरसों के तेल में मिला करके हल्का गर्म करके सोने से पहले, आधा घंटा पहले आप अपने लिंग पर मालिश करें 5 मिनट, तो 1 सप्ताह के अंदर आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लंबाई, मोटाई, टाइमिंग, हर चीज़ में आपको
बदलाव दिखेगा। अगर इसी तरह से 5-10 ग्राम पाउडर सरसों या तिल के तेल में मिला करके कोई भी लड़की या महिला अपने स्तन पे लगाती है तो स्तन की जो गांठें होती है वह खुल जाती है और स्तन का साइज बड़ा बड़ा होने लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त आकर्षक बनने लगता है। लटके हुए स्तन भी टाइट हो जाते हैं और उसमें अच्छी कसावट और उभार दिखाई देने लगता है, जिससे स्त्रियों की सुंदरता में 4 चंद लग जाता है और किसी को भी खूबसूरत दिखने लगता है। इसके अलावा अगर महिला अपनी ढीली ढाली योनि में भी अगर मालिश करती हैं, लेप करती हैं इस चिलविल के पाउडर को तिल तेल या सरसों के तेल के साथ, तो वहाँ भी ज़बरदस्त असर देखने को मिलेगा। कोई भी उम्र हो, कितना भी काम किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लगाने के बाद आपकी सारी खोई हुई खुशियां वापस आ जाएगी और पहले जैसी 18 से 20 वर्ष की जैसी कोमल, मुलायम और टाइट हो जाएगा। तो यह हर एक चीज़ को नया बनाता है, जहां भी लग जाता है नसों में संचार खून का तेज़ी से दौड़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी नसें जाग जाती हैं, खुल जाती है और मांसपेशियों में विकास होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से चिलविल की गिरी का फायदा होता है दोस्तों। आप देख लीजिए, आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। फ्री का मेडिसिन है, बिना किसी साइड इफेक्ट के है और ज़बरदस्त असर देता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।